अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अवर न्यू वीडियो। यार आज का व्लॉग ना बहुत ही सैड हो के स्टार्ट कर रहा हूँ। यार आज ना बस हमारी चिंटू का लास्ट दिन है हमारे साथ, मतलब अब कुछ ही घंटे रह गए यार इसके पास। फजल भाई भी बिल्कुल कतई सैड हो रहा है, यकीन करो पूरी रात हम लोग इधर बैठे रहते। देखो कंबल वम्बल बिछा के ना मैं यहीं इसी के पास सोया हुआ था पूरी रात। अभी फजर का जान हो रहा है और अब हम लोग चलते हैं नमाज वगैरह पढ़ के, अब कसाई आएगा फिर। अब यार यार हर साल ना बस ये जो होता है ना ये लम्हा बहुत मुश्किल होता है, जो रखता है ना उसको पता है। अभी फजल भाई तो कतई सुन हुआ है। खैर बस अब इसको ना यहाँ से अब विदा करते हैं, घर की तरफ लेके चलते हैं मिनी जू से। बस मिनी जू से अब चिंटू को निकालते हैं यार। बाकी पूरी रात इसके साथ बैठे थे, अब मेरा ना अब ऐसा ऐसा घबराहट से अजीब सा लग रहा है यार। चलो यार इसको निकालो यार। यार बस अब इसको बाहर लेके चलते हैं और घर लेके चल के इसको नहलाएंगे और फिर बस कुछ ही देर में कसाई आ जाएगा तो फिर इसको बस जुबा करेंगे। यार चिंटू बहुत ही अच्छा सफ़र था यहाँ तक का यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार। यकीन करो ये वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन बस क्या बोलूँ। और इसके टांग का दर्द भी काफी हद तक बेहतर है, रात को इसको पेन किलर वगैरह दिया था। असल में इसका ना रग चढ़ गया था, रग इंसानों को भी चढ़ जाता है तो रग चढ़ गया था। तो खैर इसको ना अब गली में ले जाते हैं नहलाते वहलाते, तो मैं गली में जाके मिलता हूँ तुम लोगों से। यार ये अब बाड़े से तो बाहर आ गया, तो घर लेके चलते हैं। और फजर की नमाज वगैरह हो गई और अब यार देखो सुबह हो रहा है। ऐसा ऐसा जब हम गाय को निकालते रात होता और यार मैं चिंटू बहुत ही ज्यादा सैड हुई थी। और यार हमारा भी बिल्कुल क्या बोले यार चिंटू, अपने गाय को ना गिराने का प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया। अब अपने गाय को थोड़े देर से गिराएंगे, अभी दूसरे गाय को लेने जा रहे हैं जब तक वो गिराएंगे, क्योंकि ना रमीज लोग आ रहे हैं तो अपने गाय का प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो गया। अबे भाई शकील भाई ना अपने गाय को पकड़ा हुआ है, वो देखो बोला मैं भागने नहीं दूंगा इसको, आज मैं काट के रहूंगा। शकील भाई मेहनत कर रहा है यार। जानवर भाग गया, जानवर झटका लेगा। जानवर भाग गया, अब हम मुंबई से हम लोग जा रहे थे और जानवर भागता हुआ दिख गया। जानवर भाग गया, अबे वो पेट्रोल वाले, अबे हनुमान भाई गिंडी जाना। जानवर भाग गया, आप कहाँ हो? ओए व्यापारी आ गया, नाड़ा सही करो नाड़ा। लो भाई लो भाई लो भाई लो लो भाई लो भाई, अरे बाबा खाना खिलाया था, ये किया था, लेके आया था, मुल्तान से लाया था, यहाँ से लाया था, वहाँ से लाया था, सब कुछ घुमाया था, याद आता है ना। और बैकग्राउंड का दिमाग वगैरह चलता है, मंजिले रंग थे खैर वाली बात है यार, खैर वाली बात है, रोक रो यार गाय वगैरह कट गई थी। और यार मुझे मैं ना बिल्कुल यार एक व्लॉग बनाने की ना हिम्मत ही नहीं थी यार, समझो कि रमीज लोगों ने जो व्लॉग मतलब बनाया है उसी में से मैंने थोड़ा मतलब क्लिप्स वगैरह उससे मांग के इस व्लॉग में अटैच किया। सुबह सुबह मतलब सही था, लेकिन अजीब सा बिल्कुल दिल हो गया यार, क्या हो। अब आप जब
किसी एक चीज को पालते हो दिल से तो यार बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। ये चीज ना, ये चीज कोई समझ नहीं सकेगा, ये चीज वही समझ सकेगा जो मतलब पालता है, जो किसी चीज से मोहब्बत करता है। ये चीज हर किसी को नहीं समझ में आएगी। कुछ लोग हैं, कुछ लोग मतलब फेम की वजह से ना वो एक्टिंग करते हैं ये सब, लेकिन जो सच्चे दिल से करता है ना वो अच्छे दिल वाला ही जानता है क्या है। फिर अभी जहाँ होगी हमारी गाय वहाँ वो बहुत अच्छी जगह है, और क्या बोलो, बस ज्यादा मुझे बोलने की हिम्मत है नहीं। तो एक काम करते हैं यार, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैंने बस ये सोचा कि इस व्लॉग को एंड कर दूं, बाकी यार इसी का नाम कुर्बानी। खैर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।